नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। फैसले की शाम बड़ी भारी है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। कल 3 दिसंबर है, मतगणना होनी है। कौन धराशायी होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, आइए बात करते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, यहाँ का सूरत हाल आप देखिए और आइए बात शुरू करते हैं। किस तरह की बेचैनी है, क्या उत्सुकता है? बेचैनी तो नहीं कह सकते, हमारे अंदर उत्सुकता है और हम आत्मविश्वास से भरपूर भरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वो खुशी की लहर हमारे अंदर है कि कब जल्दी सूर्योदय हो और हम वो परिणाम हमारे सामने आए। करवटें तो बेचैनी से लेके देखिए, बेचैनी उसे होती है जिन्होंने काम नहीं किया हो। हमने ज़मीन पर काम किया है, हमारी सरकार ने ज़मीन पर काम किया और लोगों को फ़ायदा मिला है। निश्चित रूप से मानना है कि बेचैनी जो होती है वो चेहरे पे नज़र आती है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रचंड बहुमत से हम नीमच विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में कमल कल खिलने जा रहा है। लाडली बहनों के आशीर्वाद से फिर आप देखेंगे कि दिलीप जी फिर विधायक बनेंगे और शिवराज सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरह बीतेगी आज की रात कल के इंतज़ार में? हम तो बेफिक्र होकर आराम से सोएंगे, सुबह उठेंगे, नहा धो के आराम से आएंगे। हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि पूरी बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे और नीमच में फिर से भाजपा का कमल खिलेगा। फिर से भाजपा का कमल खिलेगा, आप क्या कहेंगे? सूर्योदय के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, हर बूथ पर कमल खिलेगा, हर जनता के मन में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। कुछ तो भारीपन लग रहा होगा आज? नहीं, कोई भारीपन नहीं लग रहा रात में ना, हम मध्य प्रदेश में ना बल्कि पांचों राज्यों में सरकार बनाएंगे ना। हमें विकास और मेन चीज हमारा विकास जो किया है मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ है ना, उससे हमको अच्छे वोट मिले हैं ना, और 101% हम सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे, 165 सीट लाएंगे ना। नीमच के लिए क्या लग रहा है? नीमच के लिए कम से कम हम लोग 20,000 वोटों से जीत कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी की गई है? कहते आदमी कार्यकर्ता खुश है, कल सब यहाँ काउंटिंग जहाँ होगी वहाँ सब इकट्ठे होंगे और जश्न की तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं। जश्न की तैयारी हम विजय जुलूस हम ही निकालेंगे। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नीमच जिले की। हवा का रुख क्या है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अब हमारी टीम आई है कांग्रेस कार्यालय पे, गांधी भवन पे। यहाँ पर भी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि आज की रात किस तरह कटेगी परिणाम के इंतज़ार में। देखिए, लक्ष्य 2023 विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पूरे प्रदेश में अपना आशीर्वाद मत के रूप में दिया, जिसका परिणाम पेटियों में बंद है। कल सुबह से परिणाम आना चालू होंगे, मतपत्र ईवीएम अपना परिणाम को अपने अंदर से उगलेगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, ये हम सभी कार्यकर्ताओं को हमारे मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। सर, जो भी परिणाम आएगा उसके इंतज़ार का एक वैसे भी काफ़ी दिन हो गया, आज की रात कैसे? देखिए, हम बचपन में कॉलेज में हमने भी परीक्षाएं दी, जिस दिन रिजल्ट आना होता था उत्सुकता रहती थी, देर रात्रि तक नींद नहीं आती थी कि सुबह पेपर में हमारा रोल नंबर हो और हम कौन सी श्रेणी में पास हो। उसी तरीके से ये चुनाव का कार्यक्रम है, 17 तारीख को चुनाव हुए, 15 दिन बाद कल सुबह रिजल्ट आना है, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पास और फेल की बात हुई, पास और फेल के इंतज़ार में कैसा निकलेगा, किस तरह कट रही है रात? रातें तो 17 नवंबर को जिस प्रकार से चुनाव हुआ था उस टाइम पे लोगों ने और जिस प्रकार से युवाओं में जो आक्रोश था कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिस प्रकार से 2018 में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, रात का इंतज़ार कैसे निकले? रात का इंतज़ार कुछ समय बाद, बड़े ही हम एक्साइटेड हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी और अच्छी सरकार बनाएंगे और अच्छी योजनाएं निकालेंगे, अच्छे युवाओं को अच्छी वैकेंसियां निकालेंगे, क्योंकि बहुत परेशान है युवा, बहुत परेशान है सरकार से। हमारे चेहरे से लग रहा है कि हम परेशान हैं,
बेचैनी नहीं है, हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और हमारा चेहरे देख लो, हम खिलखिला के हंस रहे हैं। और जितने भी मिल रहे हैं भारी मतों से जीत रहे हैं, पेटियों में जो पहले से रुझान आएंगे, जो शासकीय बोर्ड खुलेंगे उसमें ही बोनी बट्टा कांग्रेस का होगा और हम निश्चित जीत रहे हैं। और हमारी सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस प्रदेश के, और युवाओं को भारी युवाओं में बहुत उत्साह है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम जीत रहे हैं। ओम जी, फैसले की रात है, इंतजार भारी पड़ रहा है, दिल पर किस तरह से उत्सुकता है, इंतजार है, एक्साइट है। जिस तरह से जनता ने हमें प्यार दिया है इससे हम बड़े उत्साहित हैं और हमें 100% या 200% विश्वास है कि कांग्रेस जीत रही है। यहाँ से नीमच से उमराव सिंह गुर्जर जीत रहे हैं भारी मतों से, जावद में समुंदर पटेल जीत रहे हैं, मनासा में नरेंद्र नाहटा जी जीत रहे हैं और निश्चित रूप से हम 150 से अधिक सीटें लाकर आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। परिणाम का आपका अपना दावा है, इंतजार किस तरह से रहेगा? इंतजार तो आप पूछो मत, किस तरह से कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, हर कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, सैकड़ों फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहा है कल हमारी सरकार बन रही है और कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, इसके लिए हम बयान नहीं कर सकते हैं, दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है, कार्यकर्ता जोश में है और कल सुबह का इंतजार कर रहा है। तो जैसा कि अभी ओम जी ने कहा कि धड़कनें बढ़ी हुई, निश्चित रूप से धड़कनें बढ़ी हुई, राजनीति इस समय इस सर्द रात में जरूर हाँफ ले रही होगी, सांस अधर में होगी प्रत्याशियों की भी और समर्थकों की, बेचैनी बड़ी होगी क्योंकि फैसले का फासला अब चंद घंटों का ही है, लेकिन इंतजार बेहद बेचैनी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइट है। देखते हैं परिणाम क्या होगा, सबके अपने अपने दावे हैं, दावों पर कौन सही उतरेगा, कौन खरा उतरेगा, किसका दावा सही साबित होगा, ये तो कल के भविष्य के गर्त में है। कल सूर्योदय होगा और सूर्योदय के साथ ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और कल सूर्योदय किसका भाग्य चमकाता है देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।